किसी के खिलाफ केस लड़ने का, हर कुछ करने का, लेकिन आपको ये हक किसी ने नहीं दिया है कि आप किसी और व्यक्ति या महिला के बारे में उल्टा सीधा बात करें, उसके बारे में कुछ भी अभद्र बात करें। जैसे उन्होंने कहा था कि राखी किसी प्राइवेट होटल्स में जाती है, वहाँ पे वो करती है, शोज करती है, व्हाटएवर जो उसने स्टेटमेंट यूज किया है, वो पहली बात तो सरासर गलत है। अगर ऐसा कुछ करती है तो आप किसी के बारे में भी कुछ भी बोलते हो तो आपको उसका जवाब देने के साथ एविडेंस होना चाहिए, जैसे मेरे पास है। तो एक आर्टिस्ट हूँ, मेरे पास तो उसके खिलाफ सारे सबूत है पुलिस स्टेशन और कोर्ट में देने के लिए। मेरे को बोलना भी नहीं, आपको पता है मेरे पास सारे प्रूफ्स है, इससे ऐसे वीडियोज है कि उसने इतने आदमियों को ब्लैकमेल किया है, इतने दो तीन लोगों ने तो सुसाइड भी किया है। वो सारे वीडियोज है मेरे पास, उनकी बीवियों को, उनके बच्चों को इसने ऐसे ऐसे गंदे गुप्रो कैमरा लगा के रूम में लेकर जाती है, गुप्रो कैमरा लगा के मतलब गंदगी करके वो वीडियोज रखे हैं, और बीवी बच्चों को मतलब शर्म आती है कहते हुए कि बिजनेस टाइकून प्रोड्यूसरों को डायरेक्टरों को यू नो पहले खुद इन्विटेशन देती है, मतलब न्यूड होके जब वो रूम में आ जाते हैं तो ऐसे ऐसे वीडियोस बनाकर, शर्म आती है मुझे कहते हुए एक महिला के लिए, वो भी हिंदुस्तानी महिला के लिए शर्म आती है। फिर उनको सारी ज़िंदगी ब्लैकमेल करती, अगला आत्मा अगला जो बंदे हैं, मैंने नंबर छोड़े थे ना तो उन लोगों ने मुझे वीडियो भेजे हैं, मैंने नंबर मैंने सबके सामने कल नंबर छोड़े थे तो उन्होंने उनके जो चैटिंग है इसकी शर्लिन चोपड़ा की वो दिखाई, शर्लिन चोपड़ा ने उनको न्यूड वीडियो भेजे, वो भी मुझे चैटिंग दिखाई है, सब मैं कोर्ट में पेश करूँगी। उनको ब्लैकमेल किया था, उन्होंने उनको पैसा ट्रांसफ़र किया है, वो भी सब कुछ मैं कोर्ट में दिखाऊँगी।